हेलो एवरीवन, मैं प्रीति प्रीति मेकअप से। तो गाइस, सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को मिस ना कर सके। ठीक है, तो बेल आइकन को क्लिक करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप मेरी वीडियो को अच्छे से वॉच कर सकोगे और आपसे कोई भी वीडियो नहीं छूटेगी। तो यहाँ पर मैंने इंस्पायर मेकअप लुक किया है जो है मेला जी का नागिन से, तो कुछ इस तरीके का मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया। अगर आपको कोई भी कमी लगी, कुछ भी लगाओ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरा अच्छे से क्लोज अप ड्रेस और अच्छे से सारी चीजें देखने को मिलेंगी। लास्ट में मैं आपको ड्रेस भी दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके की ड्रेस यहाँ पर वेयर की है, यानी कि पहनी है, तो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। और ये मैंने जो ज्वेलरी पहनी है, ये मैंने अमेज़ोन से ली है, बहुत ही प्यारी वाली ज्वेलरी है, बहुत ही अमेजिंग। आप इस लुक को क्रिएट करके कहीं भी जा सकते हो, बस आपको क्या करना है, आई मेकअप जो है आपका सेम रखना है जो आपने लाइनर लगाया, बस थोड़ा सा पतला कर देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। और इस तरीके का लुक क्रिएट करके आप लहंगे साड़ी के साथ जा सकते हो, बहुत ही खूबसूरत दिखोगी। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कॉमेंट ज़रूर करके बताइएगा वीडियो कैसी लगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ आई मेकअप से। जैसे कि आपको पता है ठंड ज़्यादा, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर से कोट डाल रखा है। और सबसे पहले मैं ये तीन करेक्टर लूँगी जिन्हें मुझे एनवाइबे कहा है और इन सारे का मुझे काम लगेगा। तो इसमें से सबसे पहले मैं ले रही एनवाइबे का कंसीलर जो बजट में है, जो 70 रुपीज़ में आपको आराम से मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको अपनी आई पे अप्लाई करना है अजय कंसीलर, क्योंकि ये कलर करेक्टर है तो सारा काम करता है। तो आप चाहो तो इसे फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले इसको अच्छे से आपको अपने आई पर लगा लेना है। ये देखिए, इस तरीके से, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ सेम उसी तरीके से लगाना है। इसको अच्छे से एक छोटू से ब्रश से ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे ये वाला ब्रश मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है जो मैंने क्लब फैक्ट्री से लिया। अगर आप क्लब फैक्ट्री से परचेस नहीं करना चाहते, क्लब फैक्ट्री से नहीं लेना चाहते हैं, तो ये अमेजोन फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। अगर आप बोलोगे तो मैं लिंक दे दूंगी। आपको दोनों ही आई को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। कंसीलर ब्लेंड हो चुका और हम लैक्मे का सेम कॉम्पैक्ट लगा रहे हैं इसको अच्छे से सेट करने के लिए। इसी ब्रश से हम लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं विल्टन वाइट का आई शेडो पैलेट, जो ट्रांजिशन शेड में से मैं ये वाला शेड पिक कर रही हूँ। और जैसा कि आपको पता ही है कि जब भी हम आई मेकअप स्टार्ट करते हैं तो लाइट शेड से ही स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा सा मेरा ब्रश मैसी है, यानी कि दूसरा कलर लगा हुआ है, तो मैं दोनों में ही लगा लूंगी ताकि डिफरेंट ना लगे। तो जैसा कि आपको पता ही कि हम आई मेकअप जब भी स्टार्ट करते हैं तो ट्रांजिशन शेड से स्टार्ट करते हैं, तो इसको आपको क्रीज लाइन में लगाना है अच्छे से ही ब्लेंड करते हुए। और यहाँ पे मैं ज्यादा कलर नहीं अप्लाई करने वाली हूँ आज, अभी मैं आपको जस्ट दिखा दूंगी। तो बस हमें ट्रांजिशन शेड लगा लेना है और इसके बाद हम ले रहे हैं यहाँ पर, बाबू मेरी लिपस्टिक का क्या हाल की है, अब हम यहाँ पे ले रहे हैं ये है लाइनर, जेल लाइनर है ये। तो इसको हम एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई करेंगे अपने आईलेट पे, आधे आईलेट पे, क्योंकि मुझे थोड़ी सी उनकी ब्लैक और ब्राउन आई दिख रही थी इस वजह से। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको करना है, थोड़ा सा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। तो जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ सेम उसी तरीके से आपको लगाना है। तो हमारा ये अप्लाई हो चुका है और इसके बाद आपको क्या करना, ब्लेंड करना है। तो यहाँ पे मैं पफी ब्रश ले रही हूँ और इससे मैं ब्लेंड करूंगी थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं ब्लेंड आपको करना है, जस्ट हल्का हल्का सा ही ब्लेंड करना है, पूरे आईलेट पे नहीं लगाना है, बस इसको अच्छे से ही ब्लेंड कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से आपको ब्लेंड कर लेना है। सेम प्रोसेस
यानी कि सेम इसी तरीके से आपको इस वाली आई पे भी अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं फिर वही वाला सेम पैलेट ले रही हूँ और उसमें से मैं ये वाला ब्राउन वाला शेड पिक करूंगी। हल्का हल्का सा आपको ब्लेंड करना, काफी ज्यादा ये बहुत ही अच्छे से पिगमेंटेड है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और इसको हमको आईलेट पे लगाना है ब्लेंड करते हुए। तो मुझे बेला जी की जो आई थी कुछ इसी तरीके से लग रही थी, क्योंकि उनकी आई जो मेरे पास पिक है उनकी आई बंद नहीं है, तो अगर आई बंद होती तो अच्छे से समझ में आ जाता है। खुली हुई है तो इतना ही मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ इसी टाइप की उनका आई मेकअप हुआ है। तो दोनों आई में आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको ब्लेंड कर लेना है और इसके बाद सेम जेल लाइनर लूंगी और इसी से मैं उसके ऊपर लाइनर लगा लूंगी। ये गर्मियों में जैसा, ठंडियों में जैसा मैंने बताया, थोड़ा सा जम जा। कुछ इस तरीके से लेना है विल्टन व्हाइट का सेम पैलेट और फिर ब्राउन वाला शेड पिक करेंगे। तो ब्राउन शेड को आपको अच्छे से ही ब्लेंड करना है। अब पता चलना चाहिए कि आपने ब्राउन शेड लगाया है। तो ब्राउन शेड को मैं बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करूंगी। ये वाली भी आई में आपको लगाना, आप डिफरेंस देख लीजिए। अभी इसमें नहीं लगा तो अब चलिए हम इसमें भी अप्लाई कर लेते हैं। हमारा ब्राउन शेड अप्लाई हो चुका है और इसके बाद हमको क्या करना, सेम फिर जेल लाइनर लेना है अपना और काफी जम सा जाता है ये ठंड के टाइम में। गर्मियों में तो बहुत ज्यादा अच्छा खासा रहता है इसका पिगमेंटेशन, बट मुझे लगता है तो इसको हम मैं फ्लैट ब्रश से ही लगा ले रही हूँ। अगर आप फ्लैट ब्रश से नहीं लगा पाते तो पेंसिल ब्रश से ही लगाइएगा, जिससे आपको इजी लगे आप लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है मैं इसे लगा लूंगी, तो मैं दूसरा ब्रश नहीं मैं ऐसे करना चाहती हूँ ब्लैक शेड लगाकर। तो कुछ इस तरीके से मैंने लगा लिया है और सेम इसी कुछ इस तरीके से अब मैं ये वाली आई में लगाऊंगी। गुड वाइब्स का मिस्ट लगा लेते हैं अच्छे से लगा लूंगा उसको पूरे फेस पे। गुड वाइब्स का बजट में है। मैं ले रही हूँ लक्मे का मॉइस्चराइजर, इसको मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी। पिंक पिंक सा होता है तो ये काफी अच्छा इफेक्ट लाता है आपके फेस पे। अच्छे से ही आपको मॉइस्चराइजर लगाऊंगा क्योंकि यहाँ कोई भी ग्लोई मेकअप उनका नहीं था, तो इसलिए हम कुछ भी ऐसा नहीं लगाएंगे जिससे हमारे फेस पे उतना ज्यादा ग्लो आए। बस मॉइस्चराइजर को ही मैं थोड़ा सा ज्यादा लगा रही हूँ और इससे मैं अच्छे से मसाज कर ले रही हूँ। ठंड का टाइम है तो हमारे फेस पे ड्राइनेस बहुत ज्यादा आती है। हमारा मॉइस्चराइजर अप्लाई हो चुका है और इसके बाद हम ले रहे हैं प्राइमर। प्राइमर के लिए अगर आपको ब्लू हेवन का प्राइमर पसंद हो तो वो अप्लाई करिए। बजट में चाहिए हुडा ब्यूटी, वो भी नहीं है एलोवेरा जेल। तो मैं प्राइमर लगाने में कोई भी खिलवाड़ नहीं करती हूँ क्योंकि हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो मैं प्राइमर अच्छे से ही अप्लाई करती हूँ और इसको अप्लाई करने के बाद आपको 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। 2 मिनट हो चुके हैं और इसके बाद हम अपना फाउंडेशन बजट में 200 लैक्मे का शेडा FS8। मैं ब्रश ले रही हूँ हुडा ब्यूटी का ये वाला। पिकी 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 पिकी
तुम्हारी उठेंगे तो देंगे तुम्हारी वाली। और ये ब्रश मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, तो मुझे पर्सनली ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। आप चाहे तो इसे बाय कर सकते हैं, मुझे प्राइस नहीं याद है वरना मैं बता देती आपको। आपको आई वगैरह के पास जैसे कि प्रॉब्लम होती है पफी ब्रश से लगाने में, तो ये उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, बहुत ही अच्छे से लग जाता है। आपने देखा यार ये है ना। तो अब हम थोड़ा सा कॉन्टोर करेंगे। कॉन्टोर के लिए मैं ले रही हूँ, मेरा शेड है 7NYBA का कलर करेक्टर, अच्छे से की थी तो मैं भी यहाँ बहुत ही अच्छे से कॉन्टोरिंग करने वाली हूँ आज। अगर आपको किसी तरीके का शेप देना है तो आप शेप क्या यार शेप दे सकते हो, तो ये हो गया। शेड लगा रही हूँ जिसे मैंने आई पे लगाया था, तो इसको हम नोज पे ले आओ, नोज चिक के थोड़ा सा यहाँ पे नीचे साइड में, आप चाहो तो यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। हम अपने गोल्डन वाले शेड को ब्लेंड करेंगे, इसी ब्रश से मैं ब्लेंड कर रही हूँ, छोटू वाले ब्रश से। मुलाकात होंगी सारे जमाने की। ऑन कर सकते हैं, मैं नोज के लिए इसी ब्रश से ब्लेंड करूंगी नोज को। करने के लिए मैं सेम जेल लाइनर ले रही हूं, ये देखिए। ब्रो काम की हेल्प से मैं अपना ये वाला पैलेट ले रही हूँ। हाइलाइटर के लिए मैं ये ले रही क्योंकि हाइलाइटिंग में बहुत ही ज्यादा कम करूंगी सारी नोज पे, क्योंकि इसमें ब्रश नहीं जाएगा मेरा। काम करूंगी ये वाला लगा सकते चाहे ये वाला लगा सकते। स्टिक मैंने ली है हुडा ब्यूटी की, ये देखिए। अगर आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो, तो इसको मैं थोड़ा सा अप्लाई करूंगी ये वाला शेड, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। तो चलिए लिपस्टिक हमारी लग चुकी है और अब हम फॉल्सेस लगाएंगे। फॉल्सेस के लिए मैं ये वाली फॉल्सेस ली हूँ, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूंगी और जब ये अच्छे से सूख जाएगी फिर इसको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो गाइस ये रहा मेरा पूरा फाइनल लुक।
कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये जो मैंने नथ पहनी हुई है इस समय काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है यार, आप इसे साड़ी लहंगे के साथ वेयर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। यहाँ पे ब्राइडल और साइड दोनों ही लोग मतलब इस तरह की नथ पहन रहे हैं, तो मैं आपको फुल रिकमेंड करूँगी, ज़रूर लीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके का ड्रेस पहना हुआ है। चलो फाइनली लास्ट में आपको दिखा देती हूँ मैंने लहंगा किस टाइप का पहना हुआ है, तो बनारसी लहंगा है। ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। हाँ, आपने मुझे टिकटॉक पर फॉलो किया कि नहीं किया, अगर नहीं किया तो जाइए फॉलो कीजिए, वहाँ पर आपको डांस देखने को मिले यार। यहाँ पे तो डांस नहीं शेयर कर सकती ना, कॉपीराइट आ जाएगा, तो वहां पे जाइए और देखिए। और हाँ, जरूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो। ओके बाय बाय, मिलती है अच्छे से वीडियो के साथ। ओके बाय बाय।